अप्रवासी भारतीय यानी NRI विदेश में पैसा कमाकर भारत भेजने में भले ही आगे हों, लेकिन वोट देने के मामले में पीछे हैं। हालांकि 10 वर्षों में वोटर में तब्दील NRI की संख्या में तेजी आई है। इस मामले में केरल सबसे आगे है। NRI वोटरों की संख्या UP में भले ही बहुत कम हो, पर पिछले 10 वर्षों में संख्या 244 गुना बढ़ी है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में NRI की तुलना में पिछले लोकसभा चुनाव में वोटरों की संख्या देश भर में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। 2014 में देश भर में केवल 13,000 NRI वोटर थे, लेकिन महज 8 लोगों ने वोट डाला था। वहीं 2019 में ये संख्या बढ़कर 99,844 हो गई। इनमें से 25,604 लोगों ने वोट डाला। खास बात यह है कि 2014 में अकेले केरल में अप्रवासी वोटरों की संख्या करीब 96% थी। शेष 4% में पूरा देश था। UP प्रवासी वोटर 2014 में केवल एक था, जो 2019 में बढ़कर 244 हो गए। रफ्तार के लिहाज से यूपी देश भर में सबसे आगे है। पिछले चुनाव में ये संख्या बढ़कर 244 हो गई। इसमें से 190 पुरुष और 54 महिलाएं हैं। कुल 6 प्रवासी भारतीय वोट डालने विदेश से उत्तर प्रदेश आए थे। NRI वोटरों की संख्या में सबसे तेज उतार चढ़ाव केरल में दिखाई दिया। वर्ष 2014 में केरल में 12,585 NRI वोटर थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी वोट नहीं डाला था। पिछले चुनाव में NRI वोटर करीब 7 गुना बढ़कर 87,000 से भी ज्यादा हो गए। इनमें से 25,000 से ज्यादा ने वोट भी डाले। वर्ष 2014 में 17 राज्यों में NRI वोटर थे। इनमें 12,234 पुरुष और 804 महिलाएं थी। ये बात अलग है कि इनमें से केवल 8 लोगों ने ही मताधिकार का इस्तेमाल किया था। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि 13,039 कुल NRI वोटरों में से अकेले केरल में 12,585 थे। शेष 454 पूरे भारत से थे। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में 25 राज्यों में NRI वोटर हो गए। कुल संख्या भी 99,844 हो गई। इसमें 87,651 केरल के हैं, लेकिन अन्य राज्यों से NRI वोटर 454 से सीधे 12